सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे आयातित हल्के खाद्य तेलों की कीमतें टूटने से स्थानीय तेल कीमतों पर दबाव बढ़ने और जाड़े व शादी विवाह के मौसम की मांग के बीच बीते सप्ताह तेल तिलन बाजार में खाद्य तेल कीमतों में कारोबार में फिलहाल मिला जुला रुख देखने को मिला। सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिलहन, सोयाबीन तिलहन, कच्चा पाम तेल और पामोतिलिन तेल कीमतों में जहां एक तरफ सुधार देखने को मिला तो वहीं सरसों पेराई में मिल वालों को नुकसान होने से सरसों तिलहन कीमतों में गिरावट आ गई। दरअसल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट काफी सस्ता होने से सोयाबीन तेल कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। मिली जानकारी के मुताबिक तेल पेराई मिलों को सरसों की पेराई करने में 4 से 5 रुपए प्रति किलो का नुकसान है। मिल वालों की मांग कमजोर होने के चलते सरसों तिलहन में गिरावट आई है। दूसरा, नीचे भाव में तेल मिलों द्वारा बिकवाली कम करने से सरसों तेल कीमतों में कुछ सुधार भी दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विदेशों में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के दाम के पिछले 6 महीने के दौरान 70 से 90 रुपए किलो की गिरावट आ चुकी है। दूसरी ओर सरकार ने कीमतों को कम करने के मकसद से सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात को ड्यूटी फ्री करते हुए कोटा सिस्टम लागू कर दिया, जिसके अनपेक्षित रूप से उल्टे परिणाम देखने को मिले। दरअसल स्थानीय तेल उद्योग संकट में है, क्योंकि उनकी पेराई की लागत सस्ते खाद्य तेल के आयात भाव से काफी महंगी बैठ रही है। इससे किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके तिलहन की खपत प्रभावित हो चुकी है और उपभोक्ताओं को तेल सस्ता ले होने के बजाय काफी ऊंची दरों पर मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले नवम्बर में सप्ताह समाप्त हुए तेल वर्ष में खाद्य तेलों के आयात में 9 लाख टन सालाना की बढ़ोतरी हुई है, जिसका साफ मतलब है कि अपनी जरूरतों के लिए लगभग 60% खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर इस देश में सरसों और सोयाबीन जैसे तिलहन का उत्पादन बढ़ने के बाद भी सस्ते आयाती तेल के कारण देशी तिलहन बाजार में खप नहीं रहा है। खाद्य तेल आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च भी पहले के 117,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 157,000 करोड़ रुपए पहुँच गई है। दरअसल सोयाबीन के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने के बावजूद पिछले साल से कम होने के कारण मंडियों में किसान माल कम ला रहे हैं, जिससे सोयाबीन तेल कीमतों में थोड़ा बहुत सुधार आया है। मंडियों में जो सोयाबीन की आवक पिछले सप्ताह लगभग 8 लाख बोरी की थी, वो अब घटकर 5 लाख बोरी पर सिमट रही है। दूसरी ओर विदेशों से सस्ता आयात होने के कारण सोयाबीन तेल कीमतों में भी गिरावट आ चुकी है। दरअसल भाव नीचे होने के कारण कच्चे पाम तेल, पामोलिन तेल की भारी मांग है, जिससे इन दिनों दोनों तेलों की कीमतों में मामूली मजबूती देखने को मिल रही है। पाम पामोलिन देशी तेलों की कीमत पर ज्यादा असर नहीं डालते और इसकी ज्यादा खपत कमजोर आय वर्ग के लोग करते हैं। देशी तेल तिलहनों पर सबसे अधिक असर सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे हल्के तेल डालते हैं, जिसकी खपत उच्च आय वर्ग के लोग करते हैं। सरकार ने रैपसीड तेल पर जो 38.5% शुल्क लगा रखा है आयात पर, उसी तरह बाकी आयातित हल्के तेलों पर भी शुल्क लगाया जाना चाहिए, जो फिलहाल इस समय की मांग है। ऐसे में आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि तेल तिलहन की महंगाई में सबसे बड़ी दिक्कत बड़ी खाद्य तेल कंपनियों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण की प्रथा में छिपी है, जिसका कोई नियम नहीं है। उनका सरकार से कहना है कि कोई समूह जाकर बाजार में माल या बड़ी दुकानों में सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, रिफाइंड सरसों आदि खाद्य तेलों के भाव की जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि किसानों से तिलहन की खरीद किस भाव पर की गई थी और बंदरगाह पर इसके आयाती तेल का थोक भाव क्या है। बाजार जानकार कह रहे हैं कि तेल कीमतों के बढ़ने की खबरों के आने पर सरकार जब तेल कंपनियों को कीमतें कम करने के लिए कहती है तो पहले से 60 से 100 रुपए के बढ़े हुए MRP में ये कंपनियां सिर्फ 15 रुपए प्रति लीटर ही कम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।